हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुनील तलरेजा फ्रॉम तलरेजा इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, हिंदी से इंग्लिश में जब हम सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं तो कई बार कुछ सेंटेंसेस वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट नहीं होते हैं, उसको थोड़ा डिफरेंटली बनाना पड़ता है, क्योंकि भाषा का फ़र्क है। हिंदी हिंदी भाषा है, इंग्लिश इंग्लिश भाषा है, तो कई सेंटेंस तो वर्ड फॉर वर्ड बन जाते हैं, पर कुछ सेंटेंसेस जो होते हैं वर्ड फॉर वर्ड नहीं बनते हैं, थोड़ा उनको डिफरेंटली बनाना पड़ता है। जैसे चोट लगने वाले वाक्य, जैसे हम बोलते हैं कि उसकी टांग टूट गई, उसका हाथ कट गया, या फिर हम कहें उसकी उंगलियां जल गई, या उसके पैर में मोच आ गई, है ना। तो ऐसे वाक्य में आपको है ना सब्जेक्ट लेके वाक्य बनाना होता है। भले ही आपको जो है सेंटेंस जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो आपको लगेगा कि इसका ट्रांसलेशन ऐसा नहीं हो सकता है, पर वो वैसा ही होता है। जैसे देखो, बोर्ड पर कुछ सेंटेंस लिखे हैं, उसकी टांग टूट गई, तो अधिकतर स्टूडेंट्स जिनको ये रूल नहीं आता है तो क्या बोलते हैं कि हिज लेग ब्रोक या हिज लेग वॉज ब्रोकन, ऐसे बना देते हैं। तो ये सेंटेंस बनाना ऐसे गलत है, आपको सब्जेक्ट लेके बनाना पड़ेगा। उसके के लिए आपको पहले लगाना पड़ेगा ही, फिर पास्ट टेंस से तो हो गया ही ब्रोक, उसकी टांग तो आपको बोलना पड़ेगा ही ब्रोक हिज लेग। अब भले आपको ऐसा फील आए कि उसने अपनी टांग तोड़ी आपको ऐसा लग सकता है, पर ऐसा है नहीं। इंग्लिश में सामने वाले फिर ही ब्लेम जाता है कि तुमने ये काम करा, तुम ही दोष ही दो। जैसे अपन बोलते हैं ना, कई बार किसी का हाथ जल गया होता है तो अपन बोलते हैं ये हाथ कहाँ से जला के आ गए, ये उंगली कहाँ से कटा के आ गए, ऐसे हम मजाक में बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको इंग्लिश में जब सेंटेंस बनाने हैं तो आपको सब्जेक्ट लेके बनाने हैं। जैसे तुम्हारी टांग कैसे टूटी, ये क्वेश्चन हो गया, तो आपको यूँ बोलना पड़ेगा हाउ डिड यू ब्रेक योर लेग। ठीक है, यूनिक ही हाउ डिड योर लेग ब्रेक, ऐसा नहीं, हाउ डिड यू, आपको सब्जेक्ट लेके बनाना पड़ेगा। आपको वर्ड फॉर वर्ड ये लग सकता है कि तुमने अपनी टांग कैसे तोड़ी, ऐसा फील हो सकता है, पर ऐसा है नहीं। ये इसका ट्रांसलेशन ये प्रॉपर है। जैसे उसकी उंगली जल गई, उसकी उंगली जल गई, हिज फिंगर बर्नड, ऐसा बोलोगे तो गलत हो जाएगा। आपको पहले सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा ही बर्नड, है ना, पास्ट टेंस है इसलिए सेकेंड फॉर्म लगे, ही बर्नड हिज फिंगर, है ना। तुम्हारी उंगली कैसे जली, तो क्या बोलेंगे, हाउ डिड यू, है ना, हाउ डिड यू बर्न योर फिंगर। सब्जी काटते समय उसकी उंगली कट गई, तो वाइल चॉपिंग वेजिटेबल्स उसकी उंगली कट गई, शी कट हर फिंगर। तुम्हारी उंगली कैसे कटी, हाउ डिड यू कट योर फिंगर। उसके हाथ में लग गई, ही हर्ट, है ना, ही हर्ट हिज हैंड। उसके पैर में लग गई, ही हर्ट हिज लेग। तुम्हें चोट लग जाएगी, है ना, तो यू विल हर्ट, है ना, यू विल हर्ट, फिर योर सेल्फ लगा दो कि तुम खुद को चोट पहुंचा दोगे, इसको ऐसे बनाना पड़ेगा, यू विल हर्ट योर सेल्फ। उसके पैर में मोच आ गई, स्ट्रेन या स्प्रेन, है ना, मोच आना क्या होगा, स्प्रेन, तो क्या बोलना पड़ेगा, ही स्प्रेन, या स्ट्रेन भी होता है ना, ही स्प्रेंट हिज फुट, है ना, उसके पैर में मोच आ गई, ही स्प्रेंट हिज फुट। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस आपको ध्यान रखने हैं, कैसे बनाने हैं, सब्जेक्ट लेके बनाओगे तो हमेशा जो है सेंटेंस सही बनेगा। इसी तरह जैसे हम बोलते हैं कि आपका रुमाल गिर गया, आपके पैसे गिर गए, आपकी किताबें गिर गई, है ना, तो ऐसे मत बनाना कि योर मनी फेल, योर हैंकी फेल, फॉल की सेकंड फॉर्म फेल, गलत हो जाएगा। ड्रॉप का यूज़ करना और इसको भी सब्जेक्ट लेके बनाना, जो प्रॉपर तरीका है ना, लोकल इंग्लिश नहीं सीखनी अपने को। तो क्या बोलना पड़ेगा, तुम्हारा रुमाल गिर गया, आपका रुमाल गिर गया, तो आपको बोलना पड़ेगा यू ड्रॉप्ड, है ना, यू ड्रॉप योर हैंकी। आपके पैसे गिर गए, क्या बोलेंगे, यू ड्रॉप्ड योर मनी। तो आपको ऐसे सेंटेंस का ध्यान रखना है ना, कि जैसे एक सेंटेंस और है कि बस से उतरते समय वह गिर पड़ा और उसकी टांग टूट गई, है ना, तो बस से उतरते समय एक वाइल का यूज़ करा था ना, तो गेट डाउन उतरना, वाइल गेटिंग डाउन द बस ही फेल डाउन, और उसकी टांग टूट गई, तो ही ब्रोक हिज लेग। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा। अब दो सेंटेंस जो है आप होमवर्क में लिखें, पहला लिखें, वो कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करना, पहला लिखें आपके पैसे गिर गए हैं, एको लिखो उसका हाथ जल गया। तो ये आपका होमवर्क, कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करें। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।